तो बैंकॉक का सफर यहीं से ही शुरू हो जाता है। लोग तो बस एक टैक्सी की वेट कर रहे हैं, जैसे सब लोग कर रहे हैं ना यार। ये भी मैं ले रहा हूँ 40,000 का। व्हाट्सअप, क्या हाल है? सो वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ, बिकॉज वी आर गोइंग बैंकॉक ब्रो। सो यार, लोग बैंकॉक जा रहे हैं। बहुत तेज हो रहे हैं। अब देखते हैं क्या सीन है। अभी तो फिलहाल इट्स समथिंग अराउंड 11 एंड यस वी हैव अ फ्लाइट एट 2। ब्रो इट्स गोना बी अ गुड व्लॉग, लाइक 3-4 व्लॉग नेक्स्ट वाले बहुत क्रेजी होने वाले फॉर श्योर, बिकॉज उमी सिंह इज ऑल्सो देयर। हम लोग बहुत फन करते हैं, शूट तो करते ही हैं, काम वगैरह चलता रहता है, बट जब हम फन करने पर आते हैं तो इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। आप लोग सब कुछ देखोगे आने वाले ब्लॉग्स में, सो स्टे ट्यून्ड। एंड ये बैंकॉक सीरीज लाइक इट्स गोना बी फन फॉर श्योर, आई विल मेक इट फन। सो हाँ, जितना भी होगा मैं आपको सारा दिखाऊंगा, जो भी दिखाने लायक होगा वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल सीन ये है कि अभी हम बैंकॉक जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉर अ वीक, जिसमें से हम 3-4 दिन काम करने वाले हैं। काम के साथ हम मजे करेंगे फॉर श्योर, बट हमने एक्सटेंड कर लिया, लाइक मी, ओमी एंड दिल्ली से हमारे एक भाई आ रहे हैं, अनुपम भाई। तो हम लोग तीनों चिल करने वाले हैं यहाँ पे एंड फिर प्रॉपर ऑफिशियल टीम जो है वो आ जाएगी तो हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, पर उसके साथ फन तो होगा, फॉर श्योर होगा ब्रो। सो या अभी हम पहले जाके चिल करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। सर जी को लेके आ गए एयरपोर्ट, अभी ये चला जाएगा बैंकॉक, देखते हैं। मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ और आप भी फॉलो कर लें। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम जस्ट अभी पहुंचे शारजा एयरपोर्ट। शारजा एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, अपना जाना भी इधर से ही अपने को। सो या अब बस चलते हैं, चेक इन करते हैं, देखते हैं क्या सीन, अपना बोर्डिंग पास कर लेते हैं एंड लेट्स गो। तो हर बार की तरह हमारे लेट लतीफ भाई आ गए। लेट्स ब्रो, बैंकॉक ब्रो। समय पे आने वाले चले जाते हैं, जिनको कुछ आता नहीं हमको सिखाते हैं। यस सर। सो बस बोर्डिंग करा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है ब्रो। ब्रो 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 ब्रो, we're Bangkok. Damn excited. Yeah, come this on, bro, let's do it. Before we start working, we're doing a little brother's trip together. I don't know about that, bro. So let's do that. And hello. तो यार अब कहीं इतने भी हम जगह ट्रैवल करें, एक बार हम लोग पहले ड्यूटी फ्री में घुस जाते हैं। We are at Gulnar and this fragrance is to be worn by my best friend. ये भी मैं ले रहा हूँ 40,000 का। अभी ले रहा हूँ। आज निश्चय ये ले रहा है और मैं ले रहा हूँ। और कुछ यार बढ़िया है नहीं वैसे, पता नहीं क्या फ्रेश वगैरह जो भी है सीन है खा लेते हैं थोड़ा बहुत। जो खाना एक मील लिया मैंने, स्पाइसी मिक्स चिकन मील, हम खाते हैं फिर विल हेड टू द प्लेन एंड जाके हो जाते हैं प्लेन, सो जाते हैं भाई। बैठ गए हम, ठीक है मैं हम को ये प्लेन पूरा खा ली है, ठीक है खा ली से हम भी जा रहे हैं बैंकॉक, ठीक है मैं जा रहा हूँ और ये भाई जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं रसमलाई। तो बैंकॉक का सफर यहीं से ही शुरू हो जाता है। सो प्लेन खा लिए तो नहीं, उन्होंने कहा यहीं बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, खा लिए, बाकी तो सब ठीक है। बैंकॉक इनका अभी से ही शुरू हो गया।
अभी देखते हैं बाहर निकल गया अपना। हमने एयरबीएनबी बुक किया ना, ब्यूटीफुल एयरबीएनबी, टू बेडरूम अपार्टमेंट। ये होटल के प्राइस पे ये वो अच्छा मिल रहा था हम लोगों को। सो अपना इमिग्रेशन भी क्लियर। सो यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा वैसे भी फ्री है। सो अपना इमिग्रेशन क्लियर, ख़त्म हो गया सब प्रोसेस। अब बस बैग कलेक्ट करेंगे एंड देन विल हेड टूवर्ड्स अ होटल। हम यहाँ से निकलते हुए बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलेंगे। ओ भाई तड़पती गर्मी है ब्रो, इट्स लाइक तड़पती गर्मी, बहुत गर्मी है भाई। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे भाई, पता नहीं अलग सा ही दिख रहा है, कुछ तो बहुत अलग ही दिख रहा है। ये टैक्सी देखो, ये टैक्सी वगैरह सारी ऐसे, ये ऊपर का हाल देखो क्या हाल। अरे भाई जगह जैसे हो, मेट्रो आती ना ट्रेन सीधा ऐसे करके, फिर सब लोग साइड पर खड़ा रहते हैं, लग तो ही रही है कर रही है सच में थोड़ी। करोल बाग भाई, करोल बाग बिल्कुल हमारी जाती है, क्या सीन है। आए तो बैंकॉक ही हैं पर फील तो मुझे नॉट प्लेस है, करोल बाग में आ रही है भाई। ये देखो एक रिक्शा चल रहे हैं भाई फुल ऑन, दुकानें भी वैसी है ब्रो, लाइक डेली फील्स है ब्रो, डेली फील्स, सो मच ऑफ डेली फील्स, लाइक लुक एट दिस। से वो क्या बोलते हैं, कहाँ था यार वो, भूल गया मैं। एक हमारे दिल्ली में ना परांठे वाली जगह है, जो लोग रात को क्लबिंग जाते हैं उसके बाद परांठे खाने जाते हैं, सो ऐसे हाईवे के नीचे आपको मिलेगा वो परांठे वाली जगह। अशोक है, अशोक, अशोक मेट्रो स्टेशन, अशोक भाई। हेलो रिक्शा भाई। तो आफ्टर अ गुड स्ट्रगल अपने को अपना अपार्टमेंट मिल गया है एंड ये था कुछ ऐसा। ये भाई को मस्ती चली, सारे ऐसे बात कर रहे हैं, सोने का ना हिंदुस्तान, ये भाई भी तो अभी ऐसे बात। तो मैं आपको एक रूम टूर देता हूँ, वेट करो। तो यहाँ अपना सामान पड़ा है, ये अपनी कैबिनेट्स, कंट्रोल कंट्रोल, और ये सब है वॉशिंग मशीन भी है, वैसे धोना तो नहीं है, मेरे पास एक्सेस कपड़े हैं वैसे। फ्रिज खाली है, भरा देना चाहिए था। लेट्स गो ग्रैब समथिंग टू ईट बारी, लेट्स गो बारी, ठीक है। तो बस यार ब्रो ये जो एरिया ना, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, लाइक सी इमेजिन अ कपल सिटिंग ऑन दिस एंड अ क्यूट डेट वाइब्स वाला सीन है ना, खुद प्राइवेट टाइम। तो ये एरिया बहुत बढ़िया है, प्लस डिसेंट किचन टाइप्स। Yo bro, Bangkok पहुंच गए हैं हम फाइनली, सब सॉर्टेड है, अपने रहने का सिस्टम सॉर्टेड, बस अब हम बाहर निकलेंगे थोड़ा चिल करने के लिए, रिलैक्स कर ले, सोने के बाद निकलेंगे हम लोग बाहर, क्योंकि अभी बाहर थोड़ी गर्मी भी है एज कम्पेयर की। सो बैंकॉक आके जरूर नहीं आपको होटल ही लेना है, होटल के खर्चे पे लेने हैं कि बुफे में। ब्रो यू कैन ऑल्सो गेट अ अपार्टमेंट, हमारे वो भाई ने अपार्टमेंट बुक किया है, और इट्स लाइक ब्रो अगर दो तीन लोग भी रह रहे हैं बहुत डिसेंट है, अपना प्राइवेट टाइम है एटलीस्ट, कुछ ज़्यादा चिक 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 नहीं है, ठीक है। उसके बाद एस्थेटिक वाइब्स हैं, एस्पेशली लाइक द एस्थेटिक वाइब्स प्लस दिस टेबल एज वेल दैट आई एम सिटिंग राइट नाउ, सो या द वाइब्स आर रियली कूल एंड या और क्या। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल कीप यू पोस्टेड, जो जो होता है जैसे जैसे होता है, हम कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। या आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो एंड द अपकमिंग ब्लॉग्स, यू विल लव इट फॉर श्योर, कुछ ना कुछ बंद दिखाऊंगा।